आज दिनांक 8 फरवरी को अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा आगामी 15 मार्च को बहुजन नायक भारत में राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत व सामाजिक न्याय के योद्धा मान्यवर काशीराम साहब के 79वें जन्मदिवस पर आयोजित होने वाली सामाजिक न्याय यात्रा की तैयारियां एवं उसे भव्य बनाने के लिए समाज सेवी रमेश सैनी को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी। वरिष्ठ नेता बिरजू भैया निषाद की अध्यक्षता में निषाद पार्क वृंदावन में सौंपी गई और उन्हें सर्वसम्मति व ध्वनि मत से अध्यक्ष चुना गया। नियुक्ति से पूर्व निषादराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और गगनभेदी नारों के बीच माल्यार्पण कर साफा पहनाकर रमेश सैनी का उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर रमेश सोनी ने अपने बयान में कहा कि मान्यवर काशीराम के जन्मोत्सव पर आयोजित सामाजिक न्याय यात्रा वर्गों के सहयोग से अपने मानवतावादी उद्देश्य के साथ ऐतिहासिक रूप से आयोजित होगी, जिसमें सहसंयोजक कौशल सिंह कदम को चुना गया व सर्वसहमति से चुनाव के बाद बधाई देने वालों में बिरजू निषाद, पवन चतुर्वेदी, बलवीर सिंह सैनी, राजवीर सिंह अध्यक्ष भारतीय, सुहेल देव समाज पार्टी, जितेंद्र सिंह एडवोकेट, हरिशंकर सैनी, राजकुमार निषाद, फतेह सिंह निषाद, दामोदर निषाद, सूरज निषाद, अमर सिंह निषाद, भगवान दास निषाद, आकाश सविता, फैजान कुरैशी, सौदान सिंह, सुशील शर्मा, रंजीत कुमार, विष्णु सैनी, धर्मेंद्र चौधरी, आकाश बाबू, विवेक कुमार, लोकेश कुमार राही आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा के द्वारा हमारे बड़े भाई रमेश सैनी जी को आगामी माह में बहुजन नायक और भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, मानवतावादी क्रांतिकारी नेता मान्यवर काशीराम जी के 89वें जन्मोत्सव पर 15 मार्च 2023 को जो मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उन कार्यक्रमों के संयोजन के लिए, उनके नेतृत्व के लिए सर्व लोगों की सहमति से, सभी लोगों की सहमति से और सभी वर्गों के सहयोग से यहाँ पर रमेश सैनी जी को और उनके साथ सहयोगी के रूप में हमारे कौशल कुमार कदम को यहाँ पर संयोजक नियुक्त किया गया है। और इस संयोजक नियुक्त करने पर हमारी जो घोषणा की गई है, हमारे निषादों के सबसे बड़े नेता, बहुजन समाज के नेता बिरजू भैया निषाद जी ने घोषणा की है और हमारे बीच में पवन चतुर्वेदी जी और लोकतंत्र राष्ट्रीय स्वयंदेव पार्टी के नेता राजवीर सिंह जी और हमारे बलबीर सैनी जी, हरिशंकर सैनी जी और हमारे तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं और मैं इस अवसर पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का संकल्प लेता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि समता फाउंडेशन के द्वारा होने वाले इस आयोजन में एक अभूतपूर्व जनजागृति का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा और आज रूपरेखा भी तैयार की गई है कि किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि काशीराम जी के जन्मोत्सव पर सर्वसहमति से यह भी तय किया गया है कि काशीराम जी का जन्मोत्सव सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के ही नहीं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ पर यात्रा में शामिल होंगे और भी नेता शामिल होंगे। ये तो अभी हम उन लोगों को कल न्योता दे चुके हैं और हम आपको आगे बताते रहेंगे। आप एक बार फिर बधाई चाहते हैं। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के अग्रदूत मान्यवर काशीराम जी की आगामी 15 मार्च को जो जयंती है, उसी को लेकर के आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा, सभी समाज के लोगों द्वारा आज वृंदावन में काली दह पर निषाद पार्क में मुझे उस जयंती की जिम्मेदारी दी गई है, मुझे संयोजक बनाया गया है और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को एक बहुत ही बेहतर तरीके से ऐतिहासिक मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई जाएगी और ये जयंती सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में मनाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से इस जयंती को हम मनाएंगे।